अरे भाई साहब, अल्टीमेट भाई, इतने सारे हाथियों पर कितना खर्चा आया होगा? सरकार गिर गई भाई। सरकार गिर गई, हाथियों के दम पे सरकार गिरी है भाई। कोई भी मॉन्यूमेंट ना इस चीज के बिना मतलब अधूरा है, सही बता रहा हूँ मैं। मेन बिल्डिंग पे जहाँ पे प्यार की निशानियाँ छपी हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज जा रहे हैं हम लखनऊ घूमने के लिए। एक दोस्त को ब्लेजर लेना है और हम लखनऊ घूमेंगे, तो मार्केट वार्केट एक्सप्लोर करेंगे। हजरतगंज जा रहे हैं और रेडी हो गए हैं। तीन चार दोस्त जा रहे हैं, दो तीन सो रहे हैं, बाकी अपना सेट है। तो चलिए हजरतगंज की मार्केट दाखिल देख ली जाए आज। उसके बाद उधर से उधर ही हम TRM ऑफिस चले जाएंगे और अपना दिन भी पूरा हो जाएगा। तो अभी निकलते हैं, मेट्रो लेंगे और सीधे हजरतगंज के लिए, लेट्स गो। तो भाई आज हमने चूज़ किया है घूमना ओवर आलस, क्योंकि कल पूरे के पूरे दिन पड़े रहे रूम पे और शाम को 6:30 बजे के आसपास हम निकले थे ऑफिस के लिए। और ना कुछ ही नहीं किया यार, सीरियसली मतलब हद है हमसे भी, एक से बढ़ के एक आलसी हैं लिटरली, यकीन मानना। मतलब खाना भी दोपहर का 4 बजे खाया है, इतना इतना अलकस भरा हुआ है सब में कि कोई उठ के शुरू करने के लिए तैयार नहीं था। तो बाकी फिलहाल कल की बात छोड़ दो, आज हमने डिसाइड किया कि घूमने चलते हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 2 बज रहे हैं लिटरली, अब भी बहुत लेट हो गया। दोपहर का खाना वहीं हजरतगंज में खाएंगे और फिलहाल मेट्रो आने वाली है। अभी 5 मिनट का टाइम है यार आने में, और उम्मीद है आज का दिन हमारा मज़ेदार रहे। कोशिश करेंगे कल भी थोड़ा बहुत कहीं घूमा जाए या टाइम निकाल के मैं देखता हूँ वीडियो बनाई जाए। तो बाकी चलते हैं लखनऊ घूमने के लिए। हाँ भाई, पहुंच गए हजरतगंज। तब भाई जिस दिन मैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आया था, उस दिन भी इतनी भीड़ थी, या तो मेन ही रास्ता है तो मार्केट गया जाता और ट्रैफिक भी पूरा है। अरे ओ भाई साहब, अलग ही लेवल चल रहा है। तो गाड़ी उठा के ले गए, उठ गई, नो पार्किंग जोन में थी। यो यो, कहाँ जा रहे हैं? अंबेडकर भी देखने जा रहे हैं। हाथी हाथी लाइन लगा के हाथी 80-90 आती है। कितने भाई? 80-90 कितने आते हैं भाई? इससे इतने तो भाई और होंगे, और ज्यादा ही है। मतलब जहाँ तुम देखोगे तुम्हें हाथी दिखेगा। ओरिजिनल वाले, पत्थर वाले, पत्थर वाले। अच्छा पत्थर वाले हैं। 90 लाख वाले ना? 90 लाख वाले। एक हाथी इतनी महंगी पड़ी है? अरे वो वाला है, नोएडा वाला, 90 लाख वाला है ना। लेकिन काफी महंगे होंगे ये भी। महंगे भाई है ना, पहले भाई बहुत सारे झटका रखी है भाई ना। तो फिरा लिया उसने। संदीप भाई सारा खर्चा तुम ही कर लेना, ठीक है? हाँ करो गलत। हाँ तो भाई पहुंच तो गए हैं फाइनली। वो एग्जिट है भाई, एंट्री इधर है। ऑलराइट, प्रवेश द्वार। टिकट अभी लेना है क्या? चलो तो टिकट लेते। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब यार, थक जाएंगे इतने बड़े में तो घूम घूम के। तो फाइनली एंट्री कर लेते हैं भाई। ये पोज बना बना के खड़े हैं फोटो खिंचवाने के इंतजार में। बहुत है, मेरे पास मिल जाएगी सारी वीडियो, चिंता मत कर। अरे इनका फोटो ले लो भाई, कोई बड़ा सेल्फिश आदमी है। और कुछ नजारा देख लिया जाए अंदर से। अरे भाई साहब, अल्टीमेट, एकदम अल्टीमेट। ओ भाई साहब, अब उसपे चढ़ना है क्या संदीप भाई? उसपे चढ़ना है क्या? बौद्ध धर्म का, क्योंकि अंबेडकर जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था इसलिए। अच्छा, उनकी आस्था में बनाया हुआ है। बाकी मेमोरियल इस तरफ ये सब हाथी वो स्तूप है, तो वहाँ चलेंगे ना, चढ़ेंगे चल के। ये क्या है? अशोक चक्र, कुछ इस तरह का ही है। खूबसूरत नजारे। नीरज भाई। हाँ भाई, कैसा लग रहा है?
अरे यार मजा आ रहा है, बहुत मतलब सही बना हुआ यार एकदम, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त स्पेस के हिसाब से और सफाई के हिसाब से। और भाई क्या आर्किटेक्ट किया हुआ यहाँ पर भाई। और सुनने में यार है कि जब पिछली मायावती वगैरह की सरकार थी तो इसमें फाउंटेन वगैरह बहुत जबरदस्त चलते थे, जो कि अब इस समय नहीं चल रहे हैं, वरना नजारा कुछ और ही होता। वो थोड़ा मेंटेनेंस का हो सकता है कि बजट ना हो, क्योंकि देखो किसी इतने बड़े पार्क को मेंटेनेंस लाना, हाँ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि टिकट का चार्ज लग रहा है यहाँ पर, तो वो सब सबके जितने भी यहाँ पर बंदे काम करते हैं और जितने वर्कर है यहाँ पर, उतने मेंटेनेंस खर्चा वो सब निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस हिसाब से पब्लिक देख रहा हूँ मैं, काफी पब्लिक है यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। भाई इतने सारे हाथियों पर कितना खर्चा आया होगा? सरकार गिर गई भाई, सर सरकार गिर गई, हाथियों के दम पे सरकार गिरी है। लेकिन भाई लग सही रहे हैं भाई, बढ़िया सुंदर बनवा रखा है, सुंदर तो है। आफ्टर लॉट ऑफ फोटोग्राफी देयर, और अब हम जा रहे हैं उधर उस पर, सांची का स्तूप का एक रेप्लिका बना रखा है, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा, बोलते हैं उसको स्तूप ही है। तो अभी हम चल रहे हैं स्तूप पर, वहां से देखते हैं भाई फोटोग्राफी कैसी होगी। भाई मजा तो आ रहा है वैसे यहाँ घूमने में, लखनऊ की ये जगह बड़ी खूबसूरत है। इट्स मी एंड दिस इज स्तूप, और भाई पत्थर वत्थर बिछा रखे हैं, पानी दिया नहीं है, पानी देना चाहिए वरना मुरझा जाएंगे। खूबसूरत है भाई, और अभी चल के ऊपर से देखते हैं ऊपर से नजारा कैसा होगा। सो लेट्स गो भाई, कोई भी मॉन्यूमेंट ना इस चीज के बिना मतलब अधूरा है, सही बता रहा हूँ मैं। आर प्लस एस लव, क्या लिखा हुआ है, BTS लव भाई, ये मतलब वाकई में अधूरा है इसके बिना। पर भाई नजारा बड़ा खूबसूरत है यहाँ से वाकई में। फाइनली वी आर द टॉप ऑफ दिस मॉन्यूमेंट, और यहाँ से पूरा पार्क नजर आ रहा है भाई, और इतना खूबसूरत लग रहा है, मजा आ गया भाई देख के एकदम, एक एकदम जबरदस्त बनाया हुआ है। और हम हैं फिलहाल मेन बिल्डिंग पे, जहाँ पे प्यार की निशानियाँ छपी हुई हैं, हटियो पे जहाँ पे प्यार की निशानियाँ छपी हुई हैं। क्या क्या लिख रखा है भाई, अबे तो भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी जैसा कि मुझे लग रहा है, और अब मैं यहाँ पे शट डाउन करूँगा, तो थोड़ा घूम लिया जाए, फोटो वोटो खिंचा लेंगे तो, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके बाय 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 बाय।